वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लाजवाब ककड़ी का रायता, जिसको बनाने का तरीका तो थोड़ा सा अलग है ही, लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और गर्मी में ककड़ी खाना हम सबको बहुत पसंद आता है। तो चलो दोस्तों, हम बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने दो ककड़ी ले ली है और सामने का पॉइंट कट करके हम इसको थोड़ा सा घिस लेंगे, जिससे ककड़ी का कड़वापन तो दूर होता ही है और हमको पता भी चल जाता है। थोड़ा सा टेस्ट भी कर लीजिए कि ककड़ी कड़वी तो नहीं है, वरना हमारे रायते का मजा किरकिरा हो सकता है। तो ये मैंने दो ककड़ी को घिस लिया है और ये देखिए, मैं एक बाउल में इसको ट्रांसफर कर रही हूँ। ककड़ी का पानी मैं नहीं निकाल रही हूँ, आप चाहो तो निकाल दीजिए। और ये मैं मिंट के लीव्स लिए हैं मैंने थोड़े से, तो आप भी जरूर डालिए, बहुत टेस्टी लगता है। ये मैं अलग तरीके से बना रही हूँ, बिना मिंट लीव्स के भी मैंने बनाया है ककड़ी का रायता, लेकिन ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया इसलिए मैंने थोड़ा सा फ्लेवर चेंज किया है। अब मैंने दही ले लिया है, तो एक कप दही लिया है, बिल्कुल गाढ़ा वाला दही लिया है। तो इसको हम विस्कर की सहायता से अच्छे से फेंट लेंगे और ये मैंने इसमें डाल दिया चाट मसाला, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर और काला नमक, और ये एक चम्मच पीसी हुई शक्कर ली है। तो शक्कर बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहो तो ना डालें, लेकिन हल्का सा मीठापन ककड़ी के रायते में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। तो एक बार आप इस तरीके से भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये हमारा दही फेंट कर रेडी है, इधर मैंने ककड़ी भी रेडी कर ली है। तो ये दही को हम इसमें मिक्स कर देंगे और ये मैं डाल रही हूँ दो हरी मिर्च बारीक कट करके, तो बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा, थोड़ा सा तीखा, थोड़ा सा मीठा। तो एक बार इस तरीके से आप ककड़ी का रायता जरूर बनाकर खाएं, गर्मी में आपको बहुत पसंद आएगा। और गर्मी में ककड़ी जो है बहुत ठंडक का काम करती है और दही तो होता ही ऑलरेडी ठंडा है। उम्मीद करती हूँ ककड़ी का रायता बनाने का ये वाला तरीका आपको बहुत पसंद आया होगा। तो एक बार जरूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक में जरूर बताएं कि आपको ककड़ी का रायता पसंद आया या नहीं आया। थोड़ा सा हम इस प्लेट को गार्निशिंग कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं दिखने में कितना बढ़िया लग रहा है और इतना ही टेस्टी लगता है खाने में भी। आप इसको गर्मी में जरूर खाएं, पराठे के साथ, दाल चावल के साथ, तो आपको बहुत पसंद आएगा। और रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। ये देखिए, मैंने बढ़िया से गार्निशिंग कर दिया है। अब गार्निशिंग देखकर, प्लेट देखकर खाने वालों का मजा तो दुगुना होने वाला है। और आप मुझे जरूर बताना कि आप किस तरीके से रायता बनाते हैं। अगर अपना पैटर्न सेम है तो मुझे बहुत खुशी होगी, फीडबैक में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।